भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ का सभी पर आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ गाइज एक और वीडियो में लेके आ चुका हूँ, ताकि आपको 2024 की यात्रा में इतनी सी भी दिक्कत समस्या ना हो, इसी कामना के साथ गाइज मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। और आप लोगों का जो प्यार मिलता है उसके लिए भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज आपका जो प्यार है, आपका एक लाइक है ना, इसी लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और नई नई वीडियो यार लाता रहता हूँ, अपडेट ढूंढता रहता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत समस्या ना हो अमरनाथ यात्रा 2024 में। तो गाइज आपसे बस रिक्वेस्ट नहीं रहती कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जिन अपने यार दोस्तों फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं उनको भाई ये वीडियो शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी एक अपडेट मिल सके और यात्रा में बिल्कुल भी दिक्कत समस्या ना हो। बाकी अगर आपको यात्रा की तैयारी कैसे करनी है नहीं देखी, तो भाई अमरनाथ यात्रा की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि अगर आपकी यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है। तो गाइज आज का जो अपडेट है वो अपडेट है अमरनाथ यात्रा को लेकर के, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है फिलहाल, क्योंकि कल थी 5 जुलाई, कल भी यात्रा नहीं गई थी, और आज 6 जुलाई, आज भी यात्रा नहीं चालू हुई है। आप सभी को बता दूं उसका रीज़न क्या है वो बताऊं, क्योंकि भाई अभी आपको बताऊं कि गाइज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इस वजह से यात्रा रोकी गई है। इसका पूरा बताऊंगा कि चालू कब से होगी। सेकंड चीज़ क्या है कि सेकंड चीज़ ये है कि बाबा की शिवलिंग का आकार कितना होता है, क्योंकि भाई हर कोई जाता है तो हर कोई यही चाहता है कि भाई एक बार हमें बाबा की पवित्र गुफा के, पवित्र शिवलिंग के दर्शन जरूर मिल जाएं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, और लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर बाबा की शिवलिंग वहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ पर यात्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उन लोगों के, जिन लोगों के मन में सवाल रहता है, उनके भी सवाल का आज मैं जवाब दूंगा। तो भाई सबसे पहले आइए बात करते हैं भाई कि आखिर यात्रा क्यों रोकी गई है और कब तक के लिए रोकी गई है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अमरनाथ यात्रा में जो है अभी भाई पहलगाम से लेकर आप देखे जाए चंदनवाड़ी तक ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और बारिश इतनी तेज़ है कि जो कल 5 जुलाई थी, वीरवार को तो हालांकि जत्था पहुंच गया था जो पवित्र गुफा की तरफ लिए निकल गया था, तो वो जहां तक होंगे भाई बिना शेष नाग होंगे, जो पंचसंडी जो जहां पहुंचा होगा वहां पर स्टे, लेकिन जो लोग नीचे से जाने वाले थे, मतलब कि पहलगाम या बालटाल की तरफ से जाने वाले थे, उन लोगों की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि भाई बारिश बहुत तेज है, ठीक है। बारिश बहुत तेज होगी तो वहाँ पर क्या है, पहाड़ी खिसकने का डर रहता है, लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, तो इस वजह से भाई यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। और जब तक ये बारिश अच्छे से रुक नहीं जाएगी, ठीक है, तब तक आगे आपको जत्था नहीं निकलेगा कहाँ के लिए, पवित्र गुफा के लिए। तो इसका मतलब क्या, जो नूनावन बेस कैंप, मतलब जो पहलगाम में लोग हैं उन्हें पहलगाम में ही रोका गया है, जो लोग अभी जम्मू हैं जम्मू से भी अगला जत्था भी निकला नहीं है आगे के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूंगा इस एक बार थोड़ा न्यूज़ पे अपडेट देखते रहें, अमरनाथ यात्रा के साइन बोर्ड पर अपडेट देखते रहें। अगर आपको लग रहा है कि भाई बारिश वारिश हो रही है वहाँ पर, ठीक है, तो यात्रा को थोड़ा सा पोस्टपोन करें। अगर और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 8 जुलाई की डेट है तो आपको 8 जुलाई को पहुँचना है, आप 10 जुलाई को भी पहुँच सकते हैं, 12 जुलाई को भी पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वेदर का थोड़ा अपडेट ध्यान रखिएगा, वेदर जैसे थोड़ा सा अच्छा हो उसके हिसाब से आप आगे यात्रा करें जाके, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइस सेकंड फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ आपको बता दूं मैं कि जो भी जम्मू से लोग थे ना, तो जम्मू से भी लोगों को नहीं निकाला गया है। जम्मू में जो लोग भगवती नगर में स्टे कर रहे हैं, वैष्णो धाम में स्टे कर रहे हैं, उनको वहीं पर रोका गया है। और जो लोग पहलगाम में थे, क्योंकि कल मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या थे भाई कि चंदनवाड़ी के लिए निकलने वाले थे, लेकिन वहां पर उन्हें रोक दिया गया, ठीक है। और वापसी उन सभी से बोला कि भाई सब अपने अपने बेस कैंप पर चल जाए, जो जिन दो जहाँ रुक रहे हैं, जो भाई बेस कैंप में रुक रहे हैं बेस कैंप में, जो होटल्स में रुक रहे हैं होटल्स में, तो जिसको जहाँ रुकना है वो वहीं रुके, आगे की तरफ अभी ना जाए। और क्योंकि आगे की तरफ जाएंगे तो आपको वैसे भी यात्रा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यात्रा में फिलहाल रोक लगी हुई है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और सेकेंड चीज़ गाइज और कि भाई एक जो सवाल रहता है कि भाई शिवलिंग, ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि शिवलिंग, जो लोगों का सवाल रहता है भाई शिवलिंग पिघल गई, अगर वहाँ पर भोले बाबा नहीं दिखाई देंगे तो हमारा यात्रा करने का क्या फ़ायदा। गाइज मैं आप सभी को बता दूं इतनी बड़ी कम बात नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और आपको अगर वहाँ पर भोले बाबा ना भी मिले तो आपको माता पार्वती मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि भोले बाबा जब अमरकथा सुना रहे थे, वहाँ पर अकेले भोले बाबा नहीं बैठे थे, वहाँ पर साथ में माता पार्वती भी थे, वहाँ पर 2 कबूतर थे जिन्होंने अमरकथा सुनी थी, वो भी वहीं पर थे, ठीक है। और वो पवित्र गुफा जहाँ पर खुद भगवान भोलेनाथ ने बैठ कथा सुनाई थी, वो गुफा भी वहीं पर ही है, ठीक है। तो भाई कभी इस चीज़ के धोखे मत रहना। और सेकेंड चीज़, अगर आपको ये लगता है कि भोले बाबा नहीं मिलेंगे, यार एक बात बता दूं, वो तो अंतर्यामी है, आप उनको नहीं देख पा रहे पर वो तो आपको देख रहे हैं, यही तो परीक्षा का टाइम है, वही तो देखते हैं कि भाई परीक्षा मतलब कि घबराता कौन है। अगर आप घबरा रहे हैं वहाँ पे कि यार अगर वहाँ पे भगवान नहीं मिलेंगे तो जाने क्या फ़ायदा, तो भाई इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो और जाओ भगवान भोलेनाथ के
उस स्थान के दर्शन करो, शिवलिंग के दर्शन करो। शिवलिंग ना मिले तो उनके बगल में एक माता पार्वती की, माता गौरी की अपने शिवलिंग और है, ठीक है ना, उनके दर्शन करो, वो आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगी। तो आप उनके घर तक पहुँच रहे हैं, भोले बाबा को आपको अपने घर मिला ले, घर बुला रहे हैं, ठीक है। माता पार्वती के दर्शन करो, भोले बाबा के भी दर्शन करो, और साथ में नंदी महाराज और भी बगल में बहुत सारी शिवलिंग है वहाँ पर, ठीक है। तो उनके दर्शन करो जाके, क्योंकि गाइस वहाँ पर अगर आपको 1% भोले बाबा ना मिले इस बार तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बताया था कि शिवलिंग बहुत कम बची है। तो वहाँ पे आपको माता पार्वती मिलेंगी, नंदी महाराज जी मिलेंगे, गणेश भगवान जी मिलेंगे, ठीक है। वो जो कबूतर थे जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, वो भी आपको वहीं मिलेंगे। तो उनको आओ, उनके दर्शन करके आओ, वो भगवान भोलेनाथ तक आपकी खबर पहुँचाएंगे कि भाई कौन कौन आया था आपके दर्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को अपने दिल में गांठ बांध लीजिएगा। यात्रा किसी भी हालत में कैंसिल नहीं करनी है, ठीक है। वो जो लोग ये कहते हैं कि भैया यात्रा कैंसिल कर दूं, भोले बाबा नहीं मिलेंगे, या जिनको मिल गए, तो भाई देखे जिनको मिल गए अच्छी बात है, जिनको नहीं मिले उनको उनकी परीक्षा है, तो उनको अपनी यात्रा कैंसिल नहीं करिए, उनको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा करके, ठीक है। तो गाइस यही एक अपडेट था आज श्री अमरनाथ यात्रा 2024 को लेकर, छोटा सा अपडेट था, ठीक है, जो कि मुझे लगा आप सभी शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्त फ्रेंड्स परिवार जिसके साथ भी शेयर करना है, शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।